मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की सरकार पे पकड़ कमजोर पड़ गई है और मीडिया के माध्यम से, और जब आप पब्लिक में जाते हैं तो तरह तरह के नामों की लोग चर्चा करते हैं कि आज फलाने सुपर सीएम है, ये सीएम है और वो सीएम और वो काम देख रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर का जो एक मुद्दा है आए दिन राष्ट्रीय जनता दल इसको उठा रहा है, तो जो जनता के साथ जो भी जिस तरह की घटनाएं घट रही है उसको राष्ट्रीय जनता दल हमेशा मीडिया के सामने रखने के, बिहार की जनता के सामने काम कर रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल 20 साल पहले की जो सरकार थी, बार बार कोई अगर घटना घटती है तो उस पर आरोपित कर दिया जाता है, लेकिन सरकार में आप हैं मिनिस्टर, आप हैं होम मिनिस्टर, आप हैं यहाँ पे, आपके अंडर में है, ये सब चीजें देखनी चाहिए नीतीश कुमार जी को। आपकी पार्टी से एक नेता उधर गए हैं श्याम रजक, विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं अपने ही पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे? अभी तक मिला विशेष राज्य का दर्जा तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, नीतीश कुमार जी भी करते हैं, आए हैं। और फिर मैं वही बात दोहराऊंगी कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में भी और केंद्र में भी, तो मुझे लगता है कि मांग करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। ये जो सरकार बनी है उनको स्वतः पूरा कर देना चाहिए बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए और बिहार के भलाई, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के नेता अगर सोचते हैं बिहार का विकास हो और भला हो, तो इस तरह की मांग को बिना कहे स्वतः उनको पूरा करना चाहिए। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, रोहिणी जी भी ट्वीट कर रही हैं, तेजस्वी यादव भी ट्वीट कर रहे हैं। देखिए मैं ये महिला होने के नाते इसकी कड़ी निंदा करती हूं कि इस तरह की घटना देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए और कड़े कानून और तुरंत उनको पकड़ के उनको सजा मिलनी चाहिए। और कई एक बार इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं एक दूसरे दल पे आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं, ये इस तरह की चीज मीडिया में नहीं आनी चाहिए। इससे क्या कि जो लोग होते हैं उनका मनोबल काफी बढ़ता है, तो मेरा यही कहना है कि दलगत स्थिति से ऊपर उठ करके खासतौर पर महिलाओं के साथ उनको सपोर्ट करना चाहिए और इस तरह की घटना देश के किसी भी राज्य में चाहे किसी की भी सरकार हो नहीं घटनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, सिलीगुड़ी में बिहार के स्टूडेंट को लेकर हरास किया गया है, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या कहेंगे जिस तरीके से? देखिए हम सब लोगों ने भी देखा कि वहां पे एक जो लोग दो लोग गए थे उनके साथ घटना आई, हम लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसको देखा और उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने संज्ञान में लिया और वहां पर उन्होंने बात की और जो हमें जानकारी मिली कि उसकी कार्रवाई भी हुई है। तो मतलब किसी एक घटना को ऐसे उठा करके, लेकिन मैं बार बार यही कह रही हूं जैसे मैंने भी महिलाओं के लिए कहा, तो इस तरह की घटना कहीं भी नहीं होनी चाहिए।